हाय फ्रेंड, कैसे आप सभी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न न्यूज में। दोस्तों, टाटा मोटर्स अपने यूजर्स के लिए 4 नई एसयूवी को भारतीय बाजार में उतारने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस लिस्ट में आपको टाटा की हैरियर, नेक्सन जैसी कार मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में टाटा मोटर्स ने अपने कस्टमर के बीच काफी ज्यादा विश्वास को बनाए रखा है। दोस्तों, आज हम आपको इन 4 कारों को बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इस साल भारत में लॉन्च के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। दोस्तों, यहां हम आपको इन 4 गाड़ियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इन कारों में आपको इंटीरियर और डिजाइन के साथ, इंजन के साथ सारी स्पेसिफिकेशन की जानकारी फुल डिटेल्स में देने वाले हैं। तो उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि हमें नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गज बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें नेक्सन फेसलिफ्ट की। तो दोस्तों, नेक्सन ने अपने नए फेसलिफ्ट के तौर पर नेक्सन ईवी डार्क एडिशन को भारतीय बाजार में लॉन्च करने के लिए तैयार की है। यह फैसला हाल ही में अपडेट किया गया नेक्सन फेसलिफ्ट पर मिले रिस्पॉन्स के कारण लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कार में आपको कई कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी डार्क एडिशन की कमी खल रही थी। इस कारण टाटा फेसलिफ्ट को अपने लोकप्रिय डार्क एडिशन के साथ लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस कार में आपको ग्लॉसी फिनिक्स मिडनाइट ब्लैक पेंट स्कीम और कवर किया गया है। वह इसके बम्पर ग्ले रूफ रेल्स और वाइल्ड व्हील्स को ब्लैक कलर दिया गया है। इंटीरियर की बात करो तो यह कार में आपको मेल खाता दिखता है। इसमें आपको ब्लैक अपहोल्स्ट्री, ब्लैक डैशबोर्ड और चारों ओर डार्क बैजिंग दिखाई देगी। दोस्तों, इस कार के सभी फीचर्स और गैजेट्स रेगुलर नेक्सन फेसलिफ्ट के समान होने की उम्मीद है। वही कीमत की बात करो तो यह नियमित वेरिएंट से आपको 30,000 रुपये तक ज्यादा कीमत आपको देनी पड़ सकती है। दोस्तों, वही बात करें इसके बाद आपको टाटा कर्व ईवी को, तो इस कार को आपको जुलाई सितंबर के बीच 2024 में देखने को मिल सकती है। कही जा रही है कि दोस्तों, लुक की बात करें तो इस मॉडल को बाहरी हिस्सा भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश किया गया मॉडल के समान ही होगा, मगर इसके इंटीरियर को बाहर और बेहतरीन बनाया जाएगा और यह नेक्सन फेसलिफ्ट का प्रीमियम वर्जन के समान हो सकता है। कंपनी इस ईवी को बैटरी लेकर कई और बड़े बदलाव करने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी बैटरी नेक्सन और ईवी से थोड़ा और बड़ा होगा। टाटा कहना है कि कर्व ईवी कंज्यूमर्स को 500 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देने की उम्मीद की जा रही है। यह डिवाइस में आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट करता है, जो कि एक बढ़िया और बेहतरीन बात है। दोस्तों, इसकी कीमत की बात करो तो इस कीमत पहले कर्व ईवी से थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है। दोस्तों, वही इसके बाद बात करें तो आपको इसमें टाटा की नेक्सन सीएनजी देखने को मिल सकती है, जो कि भारतीय बाजार में 24 में लॉन्च की जाएगी। दोस्तों, टाटा नेक्सन सीएनजी को भी इस साल लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, एसयूवी की लिस्ट में रखा गया है। आपको बता दें कि नेक्सन आईसीएनजी को हाल ही में भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो शोरूम में पेश किया गया था। इस नेक्सन फेसलिफ्ट को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस कंपनी अब नेक्सन के 2 सिलेंडर सीएनजी तकनीक को इंटीग्रेट किया है। यह नई तकनीक के साथ वाहन को बूट स्पेस का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है, जिसमें आपको बूट वॉल्यूम में न्यूनतम कमी आती है। आपको बता दें कि एक्सपो में हुई आपको नेक्सन आईसीएनजी कॉन्सेप्ट टर्बो पेट्रोल आईसीएनजी के साथ में आपको आने वाली पहली भारतीय कार है। बताते चले कि नेक्सन आईसीएनजी के बूट स्पीड अभी 230 लीटर का है। दोस्तों, वही इसकी आपको प्राइस की बात करो तो इसकी प्राइस पहले नेक्सन सीएनजी से थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है। दोस्तों, वही इस लिस्ट में आपको टाटा का हैरियर ईवी भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कंपनी हैरियर ईवी को इस साल के अंत तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। इस कार को लगभग 25 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च करने की उम्मीद की जा रही है। संभावना है कि इससे ज्यादा फीचर्स हैरियर फेसलिफ्ट के समान ही होंगे। वही अगर इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको प्रीमियम लुक मिलने की उम्मीद की जा रही है। बैटरी पैक की बात करें तो कंपनी इसमें कई जानकारी अभी तक शेयर नहीं की। हालांकि जानकारी सामने निकल कर ये आ रही कि इसकी ड्राइविंग रेंज में आपको 600 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज मिल सकता है। इस ईवी को टाटा के जनरेशन 2 आर्किटेक्चर पर आधारित किया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको AWD वेरिएंट होने की उम्मीद है।
जिसमें दोनों एक्सल पर एक मोटर ही होता है। दोस्तों आपको ये चार गाड़ियों में कौन सी गाड़ी सबसे बढ़िया लगी हमें इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में जितना हो सके आम आदमी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम मिलते हैं गाड़ी किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक दीजिएगा हमें इजाजत, तब तक सेफ ड्राइविंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।